तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरे खुशबू से पहचान लूंगा। भैया भैया मेरे बीवी किसके साथ भाग गई है, खुशबू की तरह सुन के बताइए। ठीक है। अरे वो तो हमारे ही साथ भाग के आई है। अच्छी बीवी ना कभी तंग करती है, ना कभी झूठ बोलती है, ना कभी धोखा देती है, ना ही शॉपिंग को जाती है और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। भैया जी आपका शादी हो गया है? हाँ, हो गया है। तो आपका मोछदारी नहीं निकला है? अभी हम बच्चा हैं? तो इस हिसाब से हम आपके पापा हैं। वो कैसे? मेरा मोछदारी निकल गया है। हाय, गर्लफ्रेंड मिल गई? हाँ मिल गई ना। कहाँ है? इधर है। मैंने जिंदगी से एक बात सीखी है, आग को कभी आग नहीं लग सकती। मैंने भी जिंदगी से एक बात सीखी है। अबे नहीं, क्या बात कर रहा है। औरत चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाए लेकिन कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकती। भाई साहब ये नशा वसा छोड़ो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ दुनिया कितनी खूबसूरत है। चलो। अरे भाई साहब ये नशा वसा छोड़ो, आओ मैं तुम्हें दुनिया दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत है। भाई साहब चांटा क्यों मारा, ये तो तुम्हें दुनिया दिखा रहा था। भाई साहब इसने मुझे कल भी दुनिया दिखाई थी, खुद भांग खाकर 3 घंटे धूप में घुमाया इसने। अबे याद है ना 5 किलो कद्दू और 1 किलो लौकी लेना। अबे घरवा में तो झोला भूल गई है भाई। दे साला तो प्लास्टिक में लेके जाएगा तुम्हें भारी भारी। तुमको तो बोले के ले ले झोला, तो ना ना बिस्कुट चाय खा के आएंगे। अबे अबे याद है ना साहिल को बात बताएगा भाई। कौन सी? ये मदर डेरी मिल्क को फादर डेरी मिल्क नहीं बोलता। जब हम लोग मार करने जाते हैं हाँ। तो उसको काचे बोलते हैं, माँ का दूध पिया तो सामने आया, ये तो नहीं बोलता कि बाप का दूध पिया तो सामने आया। यार क्या हुआ यार, अगर कोई औरत गाली देती है तो उसे गाली देने से मना करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि 10-20 औरत गाली देगी लेकिन आप कुछ नहीं करने पाइएगा। कौन दिन यार? शादी के दिन। ए यार क्या हुआ यार, आप चाहे जितना भी पढ़े लिखे रहिएगा, आप चाहे जितना भी टैलेंट रहिएगा, लेकिन शादी के दिन बीबी का पैर छूना ही पड़ेगा। मुझे जाने दीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी मुझे जाने दीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी बाबूजी। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। दरोगा जी। क्या हुआ रे? पंडित जी पर केस करना है। क्या है रे? मेरी शादी में पंडित जी जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मेरी बीबी का पैर छुआ दिए। जानते हैं ये तो हम बहुत अच्छा किए कि शुरू से अपने बीबी को अपने बस में करके रखे हैं, जिसके कारण सिर्फ बर्तन मांजना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं और क्या क्या करना पड़ता। बहुते सारे लोग ये डायलॉग देते हैं कि हाँ हाँ अभी बाप के होटल में खा रहे हो ना, अपना कमाओगे तो फटेगा। ये जैसे लगता है पैदा होने के साथ ने पैसा का नाला बहा दिए थे। बहुत ही प्यारी बात कहूंगा, खुद की बहन को कोई कुछ कह दे तो गुस्सा आ जाता है हमें, लेकिन शायद हम भूल रहे हैं कि रास्ता चलते हम जिन लड़कियों को छेड़ते हैं, जिन लड़कियों को परेशान करते हैं, वो भी किसी की बहन है। जब तुम अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरों की बहनों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ मत करो। अगर वीडियो से सहमत हो तो शेयर जरूर करना। दिल की बात कहूंगा, अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करना। खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं, गम फुर्सत में थे ठहर गए। लोगों की नजरों में फर्क अब भी नहीं है, पहले मुड़कर देखते थे अब देखकर मुड़ जाते हैं। आज मैंने परछाई से पूछ लिया क्यों चलती हो मेरे साथ, उसने भी हंसकर कहा दूसरा कौन है तेरे साथ। बिना प्यार के रिश्ते निभाए नहीं जाते, बिना दर्द के आंसू बहाए नहीं जाते। जिंदगी में एक बात याद रखना, किसी को रुलाकर अपने सपने सजाए नहीं जाते,
चलो स्टार्ट करो रे। साला प्लास्टिक का है काबे, फूटता ही नहीं है। चलो रे काहे रो रहा है रे। प्यारे नहीं खेली कल हाथ के लकीर में नलायक। ये लिखा पढ़ के काम ब्रिटिश के जमाने में होते रहे। पहली हाथ वाली पैरों में लगाओगी। अबे पैरों में नहीं तो हाथों में लगाएगी। तो फिर पैरों में क्या लगाएगी? काट काट कौन है? हेलो मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? ए माई देख कौनो फोन करके शादी के ऑफर देवा था बतिया ले। भैया एक ग्लास जूस से लड़ाई होने वाली है। ये लो भैया एक ग्लास और दो, लड़ाई होने वाली है। ये ले भाई। अरे एक ग्लास और दो, लड़ाई होने वाली है। अबे लड़ाई होएगी कब भाई? पैसे तो मांग भैया एक ग्लास।